गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो एल्कोहल्स के अंदर हम लोग उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात की थी, जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस रिलेटेड टू एल्कोहल्स। तो आज का टॉपिक हमारा है द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल। तो इसको आप प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल भी बोल सकते हैं। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एल्कोहल को डिफरेंशिएट कैसे किया जाए, उसके लिए आपके पास बहुत से मेथड्स होते हैं, ठीक है। जैसे पहला मेथड लिखा हमने ऑक्सीडेशन, जो कि हम लोग मतलब पढ़ चुके हैं ऑक्सीडेशन। सेकंड वन इज इंपॉर्टेंट टेस्ट, दैट इज ल्यूकास टेस्ट, एंड थर्ड वन इज विक्टर मेयर प्रोसेस या विक्टर मेयर टेस्ट। तो ये दोनों टेस्ट कई बार पूछे जाते हैं, विक्टर मेयर और ल्यूकास टेस्ट, और ऑक्सीडेशन तो इंपॉर्टेंट है ही है, और हालांकि हम ऑक्सीडेशन को डिस्कस कर चुके हैं। तो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 3 एल्कोहल्स हैं किसी मतलब टेस्ट ट्यूब में, और हमको नहीं पता है कि कौन सा एल्कोहल प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्सरी है। तो हाउ वी कैन डिफ्रेंशिएट देम, सो देर आर 2 इंपॉर्टेंट टेस्ट, ल्यूकास एंड मतलब विक्टर मेयर। एंड ऑल्सो ऑक्सीडेशन प्रोसेस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, बट हम ऑक्सीडेशन को मतलब पढ़ चुके हैं। तो हम लोग थोड़ा सा डिस्कस भी कर लेते हैं कि सपोज मैं ऑक्सीडेशन से बताना चाहता हूँ, ऑक्सीडेशन टेस्ट मेरे पास है और मैं बताना चाहता हूँ कि कौन सा 1 डिग्री है। तो मुझे पता है कि जो प्राइमरी एल्कोहल होता है, नॉर्मली मैंने आपको बताया था विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो प्राइमरी एल्कोहल आपको क्या देता है, एल्डिहाइड देता है। अगर वो एल्कोहल का ऑक्सीडेशन ये करने के बाद अगर वो एल्डिहाइड दे रहा है तो वो क्या होगा, प्राइमरी एल्कोहल हो। अगर सेकेंडरी अल्कोहल है तो वो ऑक्सीडेशन के बाद आपको क्या देगा, कीटोन देगा, कीटोन देगा। और टर्सरी अल्कोहल है तो वो नॉर्मली ऑक्सीडाइज, उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो मैं सिंपली इस तरीके से क्लासिफाई भी कर सकता हूँ कि कौन सा 1 डिग्री अल्कोहल है, कौन सा 2 डिग्री अल्कोहल है और कौन सा 3 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है। और मुझे रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्रीवियस वीडियोज़ में हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में पूरा अल्कोहल का प्लेलिस्ट है, आप वहाँ से जाके ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल वेरी सिंपल मेथड मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, आप जाके उसको चेक कर लें। अच्छा, ये सेकेंड टेस्ट जो चलते हैं दैट इज ऑफ ल्यूकास टेस्ट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है ल्यूकास टेस्ट, ल्यूकास टेस्ट, ठीक है। आइए ल्यूकास, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ल्यूकास टेस्ट क्या है, मतलब एक रिएजेंट होगा जिसको बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट। तो मैं आपको ये लिखा देता हूं, तो नोट कर ले, एनहाइड्रस जिंक क्लो ZnCl2 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, इसका जो मिक्सचर होता है स्टूडेंट, इसी को क्या बोलते हैं, ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं, ल्यूकास रिएजेंट, ठीक है। तो एनहाइड्रस ZnCl2 और कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के मिक्सचर को क्या बोलते हैं, ल्यूकास रिएजेंट। अब हम क्या करेंगे, सपोज अपने पास 3 अल्कोहल है, 1 डिग्री, किसी पे 2 डिग्री, किसी पे 3 डिग्री, अपने को नहीं पता कौन सा वाला। हम तीनों पे क्या डालेंगे, ल्यूकास रिएजेंट डालेंगे, तीनों पे क्या डालेंगे, ल्यूकास रिएजेंट डालेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, जो 1 डिग्री अल्कोहल है स्टूडेंट, जो 1 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है, वो डज नॉट गिव वाइट पीपीटी, डज नॉट गिव वाइट पीपीटी, रिएक्ट नहीं ये करेगा, वाइट पीपीटी नहीं देगा एट रूम टेम्परेचर। इसको याद ये रखिएगा, रूम टे, हालांकि मैकेनिज्म से आएंगे तो दूसरा प्रोसेस, मैं आपको ये मतलब समझाऊंगा। हालांकि ये SN1 SN2 जो रिएक्शन मैंने आपको बताए थे हेलो एल्केन्स के अंदर, वहाँ पर भी मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। 1 डिग्री डज नॉट गिव वाइट पीपीटी एट रूम ये टेम्परेचर। तो रूम हमने डाला, अगर किसी पे रूम टेम्परेचर पे वाइट पीपीटी नहीं बन रहा तो हम मान लेंगे वो कौन सा है, 1 डिग्री। अब अगर सपोज 2 डिग्री वाला है तो उसमें हमने डाला तो वो क्या, उसमें क्या होगा, अप्रॉक्स 5 to 10 मिनट के अंदर, इट विल टेक 5 to 10 मिनट टू प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो 5 or 10 मिनट में उससे प्रेसिपिटेट हो जाएगा, एक टर्बिडिटी जैसी मतलब अपेयर होगी, या क्लाउडीनेस भी उसको मतलब बोल सकते हैं, ठीक है। और जो 3 डिग्री अल्कोहल होगा स्टूडेंट, वो क्या होगा, ये तुरंत वाइट पीपीटी देगा, वाइट पीपीटी अप्रॉक्स ये लेगा 2 to 5 सेकेंड, केवल डालते ही लगभग 2 या 4 सेकेंड के अंदर उसमें एक मतलब टर्बिडिटी जैसा मतलब अपेयर होगा, एक क्लाउडीनेस जैसा अपेयर होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं इट गिव्स वाइट पीपीटी। सो 3 डिग्री अल्कोहल्स गिव्स वाइट पीपीटी विथ ल्यूकास रिएजेंट इन 2 to 3 सेकेंड या 2 to 5 ये सेकेंड के अंदर ये आपको पीपीटी दे देगा। तो ये एक डिफ्रेंशिएटिंग टेस्ट है बिटवीन 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स। तो बस ध्यान रखना है ल्यूकास रिएजेंट क्या है, ठीक। ऐसा क्यों होता है, दिस इज अ मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, वो अपने को पूछा नहीं जाता, पर ल्यूकास टेस्ट क्या है आपको समझ में आना चाहिए। आइए मूव करते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, दैट इज वेक्टर मेयर टेस्ट, ठीक है। तो वेक्टर मेयर टेस्ट में क्या होगा, इस टेस्ट को कई बार इस नाम से भी RBW नाम से भी पूछ लेता है, RBW टेस्ट, इसको बोलता है रेड ब्लू एंड वाइट टेस्ट, ठीक है। अब इसमें क्या होगा देखिएगा, अगर मैं कोई 1 डिग्री अल्कोहल लेता हूं, मैं सीधे सीधे लेके चल रहा हूं 1 डिग्री अल्कोहल, आप इसको रिएक्शन को लिख लें RCH2OH, ठीक है। इसके अंदर कुछ रिएजेंट यूज करते हैं, जैसे हम लोग यूज करते हैं रेड फॉस्फोरस,
रेड फॉस्फोरस प्लस आई टू और आई टू के साथ, तो क्या होगा? देखो सिंपल सा रिएक्शन है, आर सी एच टू आई बन जाएगा, आर सी एच टू आई, ठीक है, आर सी एच टू आई बन गया। अब इसके अंदर जो सेकेंड चीज़ हमने ये डालनी है, दैट इज ए जी एन ओ टू, क्या डालना है? ए जी एन ओ टू। तो क्या होगा यहाँ से? यहाँ से ए जी निकलेगा और यहाँ से आई निकलेगा, तो बाहर क्या आ जाएगा? माइनस ए जी आई बाहर आएगा और क्या बच जाएगा? आर सी एच टू और यहाँ से क्या लग गया? एन ओ टू। एल्काइल नाइट्रेट क्या बन गया? एल्काइल नाइट्रेट, ठीक है। अब इस एल्काइल नाइट्रेट की रिएक्शन देखिएगा ध्यान से, प्लस एच एन ओ टू, ठीक है। अब ध्यान से ये देखिएगा क्या होगा, देन फाइनल वी हैव आर सी एच टू, सी एच टू यहाँ आर लगा देते हैं और यहाँ क्या है हमारे पास? एन ओ टू है, ठीक है। आर सी एच टू एन ओ टू, आर सी एच टू एन ओ टू, इसकी रिएक्शन किससे करते हैं? इसकी रिएक्शन एच एन ओ टू से करते हैं। किससे कर रहे हैं? एच एन ओ टू से। देखो इसको मैं खोल के लिख देता हूँ, ओ डबल बॉन्ड एन सिंगल बॉन्ड ओ एच। जब इससे मैंने रिएक्शन किया तो क्या बना? देखिए ये बना आपके पास आर सी, यहाँ एन ओ टू रहा सिंगल बॉन्ड, ये हो गया आपके पास सी एच, यहाँ ओ लग गया, सी के साथ डबल बॉन्ड एन लग गया, ये हो गया आपके पास ओ एच, ठीक है। ये इंटरमीडिएट आपके पास ये बना, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या डालते हैं? एन ओ एच। क्या डालते हैं? एन ओ एच डालेंगे। तो एन ओ एच डालने पर आपको क्या मिलेगा? रेड पी पी टी या रेड सॉल्यूशन मिलेगा। क्या मिलेगा? रेड सॉल्यूशन। तो हम ये समझ जाएंगे कि हमारा अल्कोहल कौन सा है? प्राइमरी। तो स्टेप याद रखने, पी प्लस आई टू डालना है, ए जी एन ओ टू डालना है, फिर एच एन ओ टू डालना है, उसके बाद एन ओ एच डालना है। ये मैंने एच एन ओ टू को खोल के लिख दिया था, एच एन ओ टू। तो ये कंपाउंड आपके पास ये बनेगा, ठीक है। तो सूडो नाइट्रोल बोलते हैं, सॉरी ये तो रेड, ये तो एन ओ एच के साथ, ये तो टू डिग्री में बनेगा। तो इसको ये आपके पास इंटरमीडिएट बना, इसमें एन ओ एच आपने ऐड किया तो फर्दर आपको क्या मिलेगा? रेड ये सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आप ये समझ लें कि ये अल्कोहल आपका वन डिग्री अल्कोहल है, ठीक है। तो चलते हैं टू डिग्री की तरफ। अगर आपके पास टू डिग्री अल्कोहल है, मान लीजिए आपके पास क्या है? टू डिग्री अल्कोहल है। चलो मैं टू डिग्री बना के दिखा देता हूँ। उसमें क्या होना है? सिंपल, कोई नहीं, वही रिएक्शन होनी है, ग्रुप आर टू लग जाएगा, आर टू ओ एच। पहला स्टेप लिखिए, सेम है, पी प्लस आई टू लिख सकते हैं, रेड फॉस्फोरस प्लस आई टू, क्या बन जाएगा बोलिए? आर टू सी एच आई, सिंपल। अगले स्टेप पे क्या किया था अपने ने? ए जी एन ओ टू डाला था, ए जी एन ओ टू डाल के क्या बन गया? आर टू सी एच एन ओ टू, ठीक है। फर्दर क्या डाल देंगे? एच एन ओ टू। अब सिंपल लिख देता, अब तो समझ गया आप रिएक्शन, एच एन ओ टू जैसे हमने डाला तो क्या बना? आर सी आर, आर टू सी एच, यहाँ पे क्या लग जाएगा? एन ओ टू, और यहाँ क्या लग गया? एन डबल बॉन्ड ओ। फर्दर इसके अंदर क्या डालेंगे? एन ओ एच। तो क्या बन जाएगा इसमें? आपको मिलेगा यहाँ ब्लू पी पी टी, ब्लू पी पी टी। क्या मिलेगा? ब्लू पी पी टी। तो इस केस में आप ये समझ जाएंगे कि अल्कोहल आपका कौन सा है? टू डिग्री अल्कोहल, ठीक है। स्टेप सारे सेम है, बस आर आपने चेंज किया, मतलब टू डिग्री हो गया अल्कोहल, ठीक है। सिमिलर केस अगर आप ले लेते हैं थ्री डिग्री अल्कोहल्स, क्या ले लेते हैं? चलो यहीं पर ये बता देते हैं, थ्री डिग्री अल्कोहल। इन केस ऑफ थ्री डिग्री अल्कोहल, आइए थ्री डिग्री अल्कोहल का केस ले लेते हैं। थ्री डिग्री अल्कोहल में क्या होगा बोलिए? आर थ्री होगा, आर थ्री सी ओ एच, दिस इज थ्री डिग्री अल्कोहल। सेम रेड फॉस्फोरस प्लस आई टू, ये लिख सकते हैं आप, क्या बनेगा? आर थ्री सी आई बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आर थ्री सी आई। इसकी रिएक्शन किससे ये कर देंगे? वो इस स्टेप तो सेम है, ए जी एन ओ टू से कर देंगे। तो क्या बनेगा? आर थ्री सी एन ओ टू बन जाएगा। फर्दर अगर आप इसकी रिएक्शन करेंगे एच एन ओ टू के साथ, तो देयर विल बी नो रिएक्शन, देयर विल बी नो रिएक्शन। तो थ्री डिग्री अल्कोहल कोई रिएक्शन नहीं करेगा, टू डिग्री के अंदर आपको ब्लू पीपीटी मिलेगा और वन डिग्री के अंदर आपको रेड सॉल्यूशन मिलेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट वन डिग्री, टू डिग्री, थ्री डिग्री अल्कोहल विद द हेल्प ऑफ वेक्टर मेयर टेस्ट, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा, तो अपनी बुक से भी इसको कंसल्ट ये कर लें। और तो ये हमारा अल्कोहल्स के अंदर डिफ्रेंशिएटिंग टेस्ट हो गया बिटवीन वन डिग्री, टू डिग्री एंड थ्री डिग्री अल्कोहल। तो अप्रॉक्स लगभग रिएक्शंस अल्कोहल के कंप्लीट हो चुके हैं, तो फाइनली हम लोग मूव कर रहे हैं फिनॉल्स के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिनॉल के साथ। सो टिल देन आप अल्कोहल्स के सारे नोट्स प्रिपेयर ये कीजिए, इंपॉर्टेंट नॉमनक्लेचर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, देखिए नॉमनक्लेचर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड रिएक्शंस, ठीक। तो जब तक ये तीनों चीज़ें आप वन सीरियल वाइज अल्कोहल्स के लिए करें प्रिपेयर, फिर यही चीज़ हम लोग फिनॉल्स में ये लेके आएंगे। तो कल का जो वीडियो होगा दैट विल बी बेस्ड ऑन फिनॉल,
दैट विल बी नॉमनक्लेचर. फिर बात करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, देन इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ फिनॉल, जिसमें केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज बोथ आ जाएंगी. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.